केसीएन टीवी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं एमजेड खान। आइए डालते हैं आज की ताजा खबर पर एक नजर। ऑल इंडिया सर्वधर्म ट्रस्ट की बैठक फूस बंगला स्थित आयुर्वेदिक चिकित्सालय में हुई। बैठक की अध्यक्षता ट्रस्ट के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद जहीरुद्दीन खान ने की। बैठक में एक स्वर से सभी ने निर्णय लिया कि तन मन धन से समाज हित और गरीब हित में काम करते हुए देश भर में सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने की दिशा में हम सबों की अहम भागीदारी होगी। बैठक में मुख्य रूप से बोकारो से चलकर आई समाज सेविका माया पांडे, कोयलांचल के जाने माने मौलाना गुलाम हुसैन अजीजी, पतंजलि धनबाद जिला प्रभारी और योग गुरु समरेंद्र कुमार पासवान उर्फ ओम जी, वैद्य सुभाष श्रीवास्तव ने अपने अपने विचार रखे। बैठक में सर्वश्री असलम खान, अंजन कुमार सिन्हा, मालती देवी, साधु सिन्हा, दिलसाद खान, मोहम्मद समीम शाह, शिशिर कुमार मिश्रा आदि ने अहम भागीदारी निभाई। ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष इम्तियाज़ अहमद नजमी ने वीडियो कॉलिंग के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और ट्रस्ट के उद्देश्यों से सभी को अवगत कराया। इस बैठक में ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष दिलीप सिंह राजपाल ने एकाएक स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण कॉल कर बैठक में भाग न ले पाने के कारण सभी से क्षमा याचना मांगी। आप देख रहे हैं ऑल इंडिया सर्वधर्म ट्रस्ट की बैठक में सभी धर्मों के लोगों का समावेश, बुद्धिजीवियों का समावेश और कुछ कर गुजरने की तमन्ना लिए सभी ट्रस्ट के लोग। अब आइए सुनते हैं इस मौके पर उपस्थित ट्रस्ट के लोगों ने क्या संदेश दिया। ट्रस्ट की आज एक महत्वपूर्ण बैठक फूस बंगला आयुर्वेद चिकित्सालय में हुई, जिसमें आज हमारे बीच हैं बोकारो की समाज सेवी माया पांडे जी। आइए उनसे बात करते हैं कि इस बैठक के माध्यम से वह लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं। माया जी आप बताएं। पहले तो सबसे पहले आपको प्रणाम, सभी को, जितने भी यहाँ हमारे साथ भाई जो भी बैठे हैं, बहन भी एक बैठी है हमारी। सबसे पहले तो मैं हाथ जोड़ के सबको प्रणाम करती हूँ और मैं आपकी आभारी हूँ कि इतना आप लोगों ने प्यार और सम्मान दिया और इतने दूर से हमको बुलाया है। और मैं यही संदेश दूंगी कि यहाँ किसी भी धर्म के कोई भी लोग हो, सबको हम लोग को मिल के रहना है एक साथ। और कोई भी इसमें दुखी होता है या फिर किसी को किसी तरह का कष्ट होता है, यहाँ पे रखना है, अपनी बातों को रखना है। तो हम लोग देखेंगे कि कल क्या उस पर क्या हम लोग कर सकते हैं, फिर उस पर भी विचारधारा हम लोग अपना बनाएंगे। और बस यही है। और इस तरह का आप लोग को और भी आप लोग मजबूत होइए, ताकतवर बनिए और एक साथ रहिए। बस थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप देख रहे हैं ऑल इंडिया सर्वधर्म ट्रस्ट की बैठक आज हुई फूस बंगला में, और जैसा नाम वैसा काम, यानी ऑल इंडिया सर्वधर्म ट्रस्ट सर्वधर्म सभी धर्मों के लोगों को चलने की बात है। तो यहाँ पर सभी धर्मों के लोग एकजुट हैं और सभी धर्मों के ज्ञाता मौजूद हैं और सभी सांप्रदायिक सौहार्द की बात और समाज सेवा के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए तैयार है। इसी बीच हमारे साथ हैं ओम जी, जो पतंजलि योगपीठ धनबाद जिला के प्रभारी हैं, और इनका मुख्य रूप से योग सिखाना, यानी योग गुरु के नाम से जाने जाते हैं। तो आइए मैं इनसे बात करता हूँ। ओम जी आप बताएं। जी, मैंने पहले भी कहा था और अभी भी कह रहे हैं, ये ऑल इंडिया सर्वधर्म में हम अपने आप को आहूत करेंगे और कुछ ऐसा काम करेंगे जो मैंने दोहा कहा था, जमी सलाम करे, आसमां सलाम करे, करो वो काम की सारा जहां सलाम करे। हम इस ऑल इंडिया सर्वधर्म के चलते और इसके सारी समीक्षा करने के बाद मुझे
अंदर की भावना ये समझ में आया कि इनको इनके इनके संस्थान में और ये अपने संस्थानों में सबको सामाजिक आर्थिक और शारीरिक रूप दे करके इसको हम बढ़ाएंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। सबको नमस्ते, प्रणाम, आदाब, ओम। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल इंडिया सर्वधर्म ट्रस्ट की बैठक में हमारे बीच हैं मौलाना गुलाम अजीजी जी, जो नाम से ही काफी चर्चित हैं, सिर्फ भूज बंगला में नहीं पूरे इंडिया में इनका नाम है। और मैं आपको बताता चलूं कि यह सिर्फ मुस्लिमों के लिए ही इस धरती पर नहीं है, ये सभी समाज के लिए हैं और सभी समाज के बीच, सभी धर्मों के बीच इनका उठना बैठना आना जाना लगा रहता है। और जैसे ही मैंने इन्हें कॉल किया कि ऑल इंडिया सर्वधर्म ट्रस्ट की बैठक है, इन्होंने फोन पर ही मेरी बातों को स्वीकार किया और यहाँ तक पहुँच गए। तो मैं इनसे जानना चाहूँगा और इनकी बातों को सुनना चाहूँगा आपके बीच केसी टीवी चैनल के माध्यम से रखना चाह रहा हूँ। आप बताएं। मैं पहले यहाँ जितने लोग हाजिर हैं, हमारी बहनें भी हैं, हमारे नौजवान भी हैं और काबिले सद एहतराम जितने लोग हैं, पहले उनका मैं आदाब अर्ज करता हूँ। और ये ऑल इंडिया की जानिब से मैं शुक्रगुजार हूँ कि इन लोगों ने मुझे मदू किया, बुलाया और कुछ बोलने का मौका दिया। तो मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ कि सारे लोग जब हम मिल जाएं और सारे लोग इस ट्रस्ट ऑल इंडिया की मेहनत करें तो पूरे इंडिया में हम सभी को, हर धर्म के लोगों को सेवा कर सकते हैं, उनकी खिदमत कर सकते हैं, हर ज़रूरतमंदों की ज़रूरत पूरी कर सकते हैं। जो बेइलाज इंसान मर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं, उनके हम इलाज कर सकते हैं। हमारी बहनें जिनका कोई शादी करने वाला नहीं, इस ट्रस्ट की तरफ से उनकी हम शादी का अहतमाम कर सकते हैं। बहरहाल खिदमत करने का जज्बा उसी वक्त होगा जब हम लोग ऐसे मिल जाएं जैसे 100 मोती को एक धागे में पिरो दिया जाता है तो गले की जीनत और गले का माला बन जाता है। हम लोग, हर धर्म के लोग एक मोती की तरफ एक दूसरे में ज्वाइन हो जाएं ताकि वो किसी के गले का हार बन जाए, किसी के गले की जीनत बन जाए। हम यही बात बोल करके हम शुक्रगुजारी अर्ज करते हैं तमाम लोगों का और अपनी बातों का हम इख्तिताम करते हैं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे नई और ताजा खबर के साथ। तब तक के लिए केसीएन टीवी चैनल की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।